स्मार्ट सिटी बढ़ती आबादी के लिए डेवलपमेंट प्लान है। आने वाले 40 वर्षों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। यह योजना 20 करोड़ की है, लेकिन शुरुआती दौर में कम राशि से काम शुरू किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम विकास करना छोड़ दें। यह बातें नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने व्यापार विहार स्थित होटल आनंद इंपीरियल में आयोजित स्मार्ट सिटी की कार्यशाला में कही। योजना के प्रथम चरण में करीब 37,000 सुझाव आए हैं। दूसरे चरण में पेन सिटी पर चर्चा की जा रही है, जिसमें लोगों से 14 बिंदुओं पर सुझाव मांगे गए हैं। इसे 30 नवंबर तक दिल्ली भेजा जाएगा। कार्यशाला में महापौर किशोर राय, संभागायुक्त सोनमणि बोरा, निगम आयुक्त रानू साहू उपस्थित रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा शहर का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है और हम सब बैठे हुए। कुछ सुझाव आपके आए, अच्छे सुझाव आए। मैं कुछ बातों को पहले स्पष्ट करूं कि ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, ये आगामी 40 साल की कल्पना है कि आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा शहर दे के जाएंगे, ये उस बात की कल्पना है। और ये एक प्रकार से बढ़ती हुई आबादी का सिटी डेवलपमेंट प्लान हमको बनाना है। और इसीलिए आपको जो फॉर्म दिए गए हैं, उसमें 5 प्रायोरिटी आपको कहा गया है। पहले चरण में भी लगभग हर प्रकार के कंसल्टेशन नागरिकों के साथ और अलग अलग वर्गों के साथ, विशेष रूप से स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग वर्गों के साथ जो है कंसल्टेशन हुई, और ये वार्ड में भी होंगे। अलग अलग प्रकार के जो कंसल्टेशन के बाद जिस पारदर्शिता के बाद आप लोग कर रहे थे, वो पारदर्शिता का ही एक प्रक्रिया का अंग है कि आज हम सभी लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को उन तमाम पहलुओं को आपके सामने उपस्थापन किया गया है। मुझे उम्मीद है इसमें और जो है आपका सुझाव के साथ साथ सहभागिता हमें प्राप्त होगी। दो प्लान बनाए गए हैं, पैन सिटी प्लान और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान। इस प्लान के तहत आम जनता से जो सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें हमने सूचीबद्ध किया है, और अब सूचीबद्ध करके आपसे हमें मतदान प्राप्त करना है। जैसे हम इलेक्शन में मतदान करते हैं अपने सर्वाधिक पसंदीदा विकल्प पर, वैसे ही अभी आपको मतदान करना है, और जिस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे उसी ऑप्शन पर हम जाएंगे, उसी ऑप्शन को सबसे पहले शहर के विकास के लिए लिया जाएगा।